हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी पेपर थर्ड का टॉपिक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में पढ़ ली है। अब हम लोग उसकी एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यह चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है, तो आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो पेपर जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ अभी जूलॉजी पेपर थर्ड के, यही सेम आपके बॉटनी पेपर थर्ड में भी है, तो उधर आपका ऑब्जेक्टिव भी इसके साथ ही साथ कवर हो रहा है, ठीक है। तो दो पेपर आप लोग, मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के दो पेपर एक साथ मैं कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज क्या होता है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन साइज जो होता है वो एक छोटा सा टर्म है, और पॉपुलेशन डेंसिटी से हम उस चीज को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, एकदम क्लैरिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल साइज इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। टोटल साइज से सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितना नंबर ऑफ पर्सन, कितना नंबर ऑफ एनिमल, कितना नंबर ऑफ डॉग्स, कितना नंबर ऑफ कैट्स, ब्ला 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 प्रेजेंट है। ये हम सिर्फ किसके थ्रू बता सकते हैं, पॉपुलेशन साइज के थ्रू, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, मोर इन्फॉर्मेटिव, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको किससे मिलती है, डेंसिटी से मिलती है। क्यों, क्योंकि जो द नंबर पर यूनिट एरिया, मतलब पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ये हमको किससे पता चलता है, डेंसिटी के थ्रू पता चलता है। साइज तो बताता ही है पॉपुलेशन कितना है, लेकिन जो प्रॉपर वे में कह सकते हो या जो क्लियरली डिफाइन करता है वो टर्म है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, पॉपुलेशन साइज क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। अगर समझ में आया तो लाइक करना, अगर समझ में आया है तो ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी। ये दो तरह की डेंसिटी होती है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो हेडिंग डाल के कि टाइप्स ऑफ डेंसिटी। पहले आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखना पॉपुलेशन साइज, ये डेफिनेशन लिखना, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी लिखना, देन इसको लिख देना इंक्रीज करके, अपने आपसे एग्जाम्पल डाल देना यार, इतना तो कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे है तो नंबर पर यूनिट एरिया, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो ह्यूमन्स का, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में ह्यूमन्स कितने प्रेजेंट है, या सपोज आप लोग एग्जाम्पल लिख लो, सपोज करके लिख देना, तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि बच्चे ने समझाने की कोशिश की है, रियल रेशियो कितना है वो नहीं बताया, ठीक है। आप लोग लिख देना कि पर्टिकुलर एरिया में 100 सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो पर्टिकुलर एरिया में है ना, यूनिट एरिया में है, तो वो क्या बताएगा हमें, डेंसिटी बताएगा। तो इस तरह से आप लोग डिफाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको साथ ही साथ लिखना कैसे है ये भी बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा बाकी चैनल्स पे आई थिंक सो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि पॉपुलेशन साइज कैसे लिखना है, फिर डेंसिटी लिखनी, फिर डेंसिटी के बाद टाइप्स ऑफ डेंसिटी लिख के आप लोग ये लिखना है, क्रूड डेंसिटी क्या होता है एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है। क्रूड डेंसिटी क्या होता है, इट इज द डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, पर यूनिट टोटल स्पेस यानी कि पूरे में जितनी डेंसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब सपोज की कोई एक प्लांट है, ये हमारा अर्थ है, ठीक, ए प्लांट है वो इस एरिया में भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये ए प्लांट है, ये यहाँ पे भी ग्रो कर रहा है, यहाँ पे भी ग्रो कर रहा है, इस एरिया में भी ग्रो कर रहा है ग्लोब के, यानी कि अमेरिका में भी है, सपोज ये अमेरिका है, ये साउथ अफ्रीका है, या सऊदी अरब हो गया, ये आपका चाइना हो गया, ठीक है, सभी जगह ग्रो कर रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, क्रूड डेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि सभी जगह फैल रहा है। इंडिया के एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए प्लांट है, ये हमारा यूपी में भी ग्रो कर रहा है, तमिलनाडु में भी ग्रो कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उड़ीसा में भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, इन सभी जगह ग्रो कर रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, क्रूड डेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये अडाप्ट कर सकता है उन सभी जगहों पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी क्रूड डेंसिटी। और वही अगर ये प्लांट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ग्रो कर सकता है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इकोलॉजिकल डेंसिटी, और कहीं ये ग्रो कर ही नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर स्पेस में ग्रो कर रहा है, पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो कर रहा है। सपोज ये सिर्फ यूपी में ग्रो कर सकता है ए प्लांट, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, क्रूड डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है और पॉपुलेशन साइज क्या होता है। अब आते हैं अपने Q&A पे। आपको कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है पॉपुलेशन की जो मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखो, फिर उसको समझना के तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और इसका आंसर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कमेंट्स में भले ही लाइक शेयर कुछ मत करो, बट आंसर जरूर दो अगर वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो मेरे चैनल से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।